सो वी आर इन चितकुल राइट नाउ, और जैसे कि नाम है कूल, एक्चुअली ये जगह बहुत कूल है। अभी हम लोग जाने वाले हैं हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा में, जो बेसिकली चितकुल इंडो तिब्बतन बॉर्डर का एक छोटा सा गांव कह लो है। बहुत खूबसूरत है, आप वो वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हैं। सो लेट्स चेक आउट कि एग्जैक्टली ढाबे में मिलता क्या है और एग्जैक्टली ऐसा खास क्या है कि ये आखिरी ढाबा इसको बना रहा है। So how was the food, man? Food कैसा था? खाना कैसा? बहुत अच्छा खाना था यार। आखिरी ढाबा disappoint नहीं किया ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पता चल रहा था कि अलग पानी, अलग taste, अलग माहौल की वजह से। No ज़्यादा मसाला, no nothing। And बहुत अच्छा था, tasty था, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जगह पे खाना मिलना बहुत अच्छी बात है, और taste no doubt बहुत अच्छा था। So the point is कि देखो, मैं तो कोशिश करूँगा इसके ओनर से बात करने की। काफ़ी लोगों के साथ फोटोज़ भी लगा रखे हैं उन्होंने, जिसमें सारा अली खान है एंड दो तीन लोग और हैं, जिन्होंने खली के साथ एक फोटो है। तो मैं देखता हूँ बात करने की कि ये कब खोला है कब नहीं। अगर होगी तब तो फिर एक अच्छी गाने निकल के आएगी। ये ढाबा जी मैंने 1999 से खोला है। तो मैं सिर्फ चाय बिस्किट रखता था जी, चाय बिस्किट रखता था बस ऐसे ही। पहले तो बहुत ज़्यादा फॉरनर्स आते थे, अब तो पूरा भारत के लोग आते हैं मेरे पास, पूरा भारत के लोग आते हैं। खाने में अंकल आजकल क्या क्या खिलाते हो आप? मैं राजमा चावल खिलाता हूँ, कढ़ी दही आलू का सब्जी, रोटी घी। हाँ जी। साल के कितने कितने दिन खुला रहता है ये ढाबा? 7-8 महीने खुल जाता है। अच्छा, ये हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, पहले रोड यहीं तक था जी, रोड आगे तक नहीं था, बस ऐसे आ गया। मैं ये कर लेता हूँ, आगे कोई गांव तो है नहीं, आगे पोस्ट है, आगे ये तिब्बत बॉर्डर है। अंकल यहाँ कौन कौन लोग अभी तक आ चुके हैं सेलिब्रिटीज के मामले में? ओ, जैसे ये यहाँ पर आए लव आजकल के लिए शूटिंग में आया था कार्तिक आर्यन, ये आया था, और ये सारा अली खान आई थी, फिर उनके टीम आए थे, एक साइड कस्टमर थे, एक साइड जो ना वो फिल्म वाले थे। लेकिन लोगों ने ज़्यादा उनसे ना फोटो वोटो खींचने के लिए मना किया था, तो मेरे साथ थोड़ा बात करते थे। हाँ जी, मैं तो बोलता हूँ मेरे पूरे भारत भाई आए। अभी मैं ये जो मैं अभी बता रहा था कि 5 लीटर कुकर में चावल बना रहा था, फिर 5 लीटर कुकर में दाल बना के वो तड़का के वो दे देता था, मैं चाय पी कर देता था जी। बस ऐसे करते करते पूरा दुनिया मेरे दिल में बस गई। क्या लेके आना है? नंगा आना नंगे जाना है, एक इज्जत लेके नाम लेके जाना है। हेलीकॉप्टर से प्रेडेटर करने आते हैं, ऐसे नीचे लैंड होता है, उनको सिर्फ टी प्लेट देता हूँ, ऑफिसर लोग हैं, टी प्लेट देता हूँ उनको, बाकी बस का चाय देता हूँ। बाकी ये नहीं कि आदमी छोटा है या आदमी बड़ा है, सबको एक लेवल का खाना। बस मैं तो बोलता हूँ पूरा भारत के भाइयों को आके यहाँ आनंद उठाए, लुत्फ उठाए, बस ये बोलता हूँ जी। जय हिंद बोलता हूँ सब पूरा भारत को जी, जय हिंद।